क्या आप जानते हैं स्टार क्यों ट्विंकलिंग करते हैं? नहीं जानते तो आइए हमारे साथ। जब आप छत पर बैठकर तारों को देखते हैं तो तारे चमकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे क्यों चमकती हैं? हमारे और तारों के बीच में दूरी ज़्यादा होने के कारण लाइट हम तक बहुत कम पहुंचती है, लेकिन जितनी भी स्टार की लाइट हम तक पहुंचती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो अब आप पूछेंगे कि पहुंचती तो है लाइट, थोड़ी पहुंचती है, कम पहुंचती है, लेकिन पहुंचती है तो है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आंखों तक पहुंचती है। कभी लाइट का अमाउंट, जो स्टार की लाइट है, उसकी अमाउंट कम होती है, जिसके कारण से वो हमारे आंखों में कभी रिफ्लेक्ट होकर आती है तो कभी रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है, जिसके कारण से हमें लगता है कि स्टार चमक रहा है। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जो आपके सामने वाले स्टार होती है वो ज़्यादा चमकती है और जो ऊपर वाले स्टार होते हैं वो कम चमकते हैं? ऐसा क्यों? बात यह है कि जब लाइट आती है जो सामने होते हैं तो वो डिस्टेंस उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ज़्यादा बेंड करती है, कभी कभी ज़्यादा हमारे आंखों तक पहुँचती है, कभी नहीं पहुँचती, कभी नहीं पहुँचती है। और जब दूसरे केस में अपने सर के ऊपर देखा है तो वहाँ पर जब लाइट हमारे यहाँ एकदम कम ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा समय तक हमारे आंखों तक पहुँचती है और कभी नहीं पहुँचती है, इसलिए सामने वाला ज़्यादा चमकता है और ऊपर वाला कम चमकता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी।